अभी हमारा जो हृदय है, अभी हमारा जो मन है, ये अभी विषयों की, माया की चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब हमारे मन में, मन के एक कोने में थोड़ा सा परिवार बैठा है, मन के एक कोने में थोड़ा पैसा बैठा है, मन के एक कोने में इच्छा है कि मैं बहुत नाम कमा लूँ, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बैठी हुई। पर जिस दिन इस मन में सब हटके एकमात्र भगवान बैठ जाएंगे, तो उस दिन भागवत का पूर्ण परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी मन में थोड़ा सा क्रोध भी है, थोड़ा सा लालच भी है, थोड़ी एक दूसरे से जलन ईर्ष्या भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। प्रभु, ये मेरा हृदय आपका घर है, पर क्या करूं, इस घर में बहुत सारे चोर आके घुस गए। चोर कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, लालच, अभिमान, ये सब चोर हैं जो चित्त में आके बैठ गए और निकल नहीं रहे। अब कैसे निकलेंगे? अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी ने बहुत अच्छा घर बनाया, बंगला बनाया, बहुत अच्छा, उसमें अच्छे अच्छे कमरे बनवाए, बढ़िया बंगला सजा दिया। अब सेठ जी और सेठ जी की पत्नी सेठानी जी, ये दोनों उस बंगले में रहते थे। दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की का ब्याह हो गया तो ससुराल चली गई, लड़का पढ़ने के लिए विदेश चला गया। अब दोनों ही बालक घर से बाहर। अब सेठ सेठानी अकेले घर में रहते थे, तो सोचा कि अकेले पड़े पड़े मन नहीं लगता, बच्चे भी घर में नहीं रहते, एक काम करो, घर के दो चार कमरे किराए पर दे दो। किराए पे कमरे पे कोई आके रहेगा तो थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा उनके सारे। तो उन्होंने अखबार में एक खबर छापी कि जिसको भी घर कमरा किराए पर चाहिए तो संपर्क करें। अब वो खबर पहुंची तो कोई चार पांच लड़के थे, उन्होंने उस खबर को देखा, वो पढ़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम संपर्क करते। उन्होंने संपर्क किया कि सेठ जी हमको कमरा चाहिए, कितने पैसे में मिलेगा? उसने बता दिया कि इतना महीना का किराया। चारों लड़के आके उस कमरे में रहने लगे। अब सेठ जी ने उन बालकों को बुलाया तो इसलिए था कि हमारा मन लगा रहे, पर धीरे धीरे उन लड़कों ने क्या किया, शराब पी के आने लगे, घर में मांस लाने लगे, जुआ खेलने लगे, और उस पूरे घर को, घर का जो माहौल था उसको गंदा कर दिया। अब सेठ सेठानी ने सोचा कि हम तो अच्छे के लिए इनको बुलाए थे, पर इन्होंने तो सब गड़बड़ कर दिया। तो सेठ सेठानी बोले कि तुम हमारे घर से निकलो, हमें नहीं चाहिए किराया, हमें नहीं देना, निकलो यहाँ से। लेकिन वो दोनों, वो जो बालक है वो बड़े टेढ़ी बुद्धि के, अगर हमारे उस तरफ की भाषा कहें तो थोड़े दबंग जैसे। दबंग समझते हैं? किसको बोलते हैं? होता कुछ नहीं, बस अपनी दादागिरी चलाते हैं। इंग्लिश भाषा में कहे तो डॉन, कि हम ये तो करके रहेंगे और किसी से डरते नहीं। तो वहां जमावड़ा जमा के बैठ गए। सेठ जी कह रहे भैया निकलो। बोले हम नहीं निकलेंगे, क्या कर सकते हो करके देखा। अब सेठ जी बेचारे डरपोक जैसे थे, क्या करें, चुपचाप बैठे रहे, निकल ही नहीं रहे घर से। अब एक दिन सेठ जी चौराहे पे बैठे थे और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि भैया शहर के नए एसपी साहब आ रहे हैं, पुलिस वाले, पर अभी जो सरकारी जो रहता है पुलिस वालों का रहने का, उसमें थोड़ा काम चल रहा है, तो उन एसपी साहब को एक घर चाहिए किराए पे, कोई मिल जाए तो। अब जैसे सेठ जी ने सुना तो उनको तुरंत दिमाग में बात आई, बोले एक काम करो, हमारे घर में एसपी साहब को बुला दो। बोले कितना किराया लगे? बोले एक रुपया नहीं, फ्री में, मुफ्त में देने के लिए हम तैयार है, बस एक बार उनसे कहो आ जाए हमारे घर। बोले पक्का कुछ नहीं लोगे? बोले नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। अब घर आया, एसपी साहब के आने की तैयारियां शुरू हो गई, उनका बक्सा बैग सब आने लगा सेठ जी के घर में। तो लड़कों ने पूछा ये किसका सामान आ रहा है? बोले शहर के एसपी साहब आ रहे हैं।
पुलिस वाले। और जैसे पुलिस का नाम सुना, सारे लड़कों ने अपना सामान उठाया और सब वहाँ से भाग गए, क्योंकि पुलिस आएगी और पता चलेगा कि निकल नहीं रहे तो डंडा पड़ेंगे। पुलिस वाला आए, एसपी साहब आए, उससे पहले अपना झोला बिस्तर सब बांध करके वहाँ से चले गए और घर खाली हो गए। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी हमारे जीवन की है। हमारा मन, हमारा हृदय हमारा घर है, और इस घर में आकर के दबंग बन के जबरदस्ती आके बैठ गए कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारी जो बुराई हमारे दिल में, हमारे हृदय में डेरा जमा के बैठ गए। हम कहे भैया निकल जाओ तो निकलते नहीं। तो क्या करना चाहिए? बोले किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जिसको देख के घबरा के ये तुरंत भाग जाए। और ऐसा व्यक्ति कौन है? तो गोस्वामी जी कहते ऐसी है देवी भक्ति। भक्ति जैसे हृदय में आती है ना, आप कथा में आए और कथा में आके भक्ति आपके हृदय में आएगी, उससे पहले ये सारी बुराइयां सोचेंगे कि अब ये कथा में आके बैठ गया, अब यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अब इसे भगवान की कथा मिल गई है, अब इसके दिल से हमको जाना पड़ेगा, और सारे जो चोर हैं यानी जो बुराइयां हैं वो सब हमारा हृदय छोड़ के भागेगी, और इस हृदय में वास होगा देवी भक्ति का, और भक्ति आई तो पीछे पीछे भगवान भी चल करके हमारे हृदय में बैठ जाएंगे। पहले भक्ति आती है, पहले हृदय में कौन आती है? देवी भक्ति, और उनके पीछे पीछे भगवान चल करके आते हैं। भागवत सुनने से भक्ति हमारे हृदय में आके वास करती है, और फिर भगवान का आगमन हमारे चित्त में, हमारे हृदय में होता है, और हमारे मन में फिर भगवान का प्रादुर्भाव होता है।